जय जय श्री राधे श्याम जय बोल। हमारी आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार भुवन मंगल भुवन सुंदर अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। वो लीला तो अनंत अगाध, वहां अनुप्रवेश तो चिंतन के द्वारा विचार के द्वारा वो लीला अनुधावन करना कदापि संभव नहीं है। वो लीला चिन्मय है, दिव्य है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, वो मन बुद्धि के अगम्य है, अनुभव वेद्य कृपा साध्य। जिन पर कृपा होती है वो जाकर के वो लीला किंचित आस्वादन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भगवान जब लीला करते हैं, नरो लीलावत कैवल्यम, भगवान लीला करते हैं प्राकृतो मनुष्य जैसे, तो कोई कोई तो भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी उनको साधारण मनुष्य ज्ञान करके उनके एक साधारण मनुष्य जैसे सबके सामने प्रचार करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं, जिन पर कृपा होती है वही जा करके उनकी लीला समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। भगवान आए हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन, भगवान पुरुषोत्तम द्वापर युग में आए हैं लीला प्रकटन करने के लिए। वो लीला दिव्य है, लेकिन भगवान कृष्ण को सब कुछ थोड़ी जान पाए हैं जो पूर्ण ब्रह्म सनातन। एकमात्र उनके जो प्रेमी भक्त वही जानते थे कि ये भगवान है। देखो ना, दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते उनका अप्रजलीला समाप्त हो गया, सब चारों ओर दुश्मन, भगवान का दुश्मन। अरे आश्चर्य है ना, सभी दुश्मन भगवान का, कृष्ण का दुश्मन कौन जानते हैं, ये भगवान है। और वही कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं भक्तों। शिशुपाल तो देख के, कृष्ण को देख के ऐसे जलते हैं जैसे मान लो ठिकाना नहीं, आग लग गया, जैसे दर्शन मात्र ही। तो ये भगवान की जो ये लीला, ये एकमात्र भगवत के पास ही समझ सकते हैं। वही कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं मथुरावासी, द्वारकावासी, भारतवासी, लेकिन ब्रजगोपी भी दर्शन कर रहे हैं। वो विधाता को धिक्कार दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। देखो विधाता, इनके सृजनी शक्ति है नहीं, सुंदर रचना कैसे, किस तरह से सुंदर रचना की जाती है, ये बोधी नहीं है, पर अरसज्ञ। ये देखिए भी कृष्णा नाम तारे दिल दुनायन विधि भैया है नो विचार। जो कृष्णानंद भगवान के श्रीमुख चंद्रमा जो दर्शन करेंगे, उसको दो नयन दिया, दो नयन। देखो दो नयन से हम क्या देखेंगे, वो रूप माधुरिमा, अखंड आनंद सिंधु, वो मैं दो नेत्र से कैसे वो आनंद सुधा पान कर सकता हूं। देखो निर्माण कार्य जानते नहीं विधाता, कैसे अरसज्ञ, रस बोधी है नहीं। ये देखी भी कृष्णानन तार करी लो दिनयन विधि हो या है ना विचार, कोटि आखी नहीं दिलो सबे दिलो दुई ताहते निमेश दिलो की देखी बहु, करोड़ों आंख देना चाहिए, करोड़ों आंख देना चाहिए,
तब जाके कृष्ण ओ रूप माधुरीमा ओ भुवन मंगल भुवन सुंदर के रूप माधुरीमा किंचित दर्शन करके किंचित आनंद आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। करोड़ों आँख होना चाहिए। विधि हो या है ना अविचार बोलते ये भगवान ये इतने अविचार विचार ही है नहीं और अरसज्ञ भगवान के कोई रसबोध है नहीं विधाता जिसने ये सृजन किए हैं मनुष्य तनु। ये देखिए भी कृष्णानंद तारे दिल दिनयन विधि हो या है ना अविचार कोटिया की नाही दिल सभी दिल दुई ताहते निमेश दिल की देखी मुई करोड़ों अंक देना चाहिए वो तो नहीं दिया सिर्फ दो आंख दिया। उसके अंदर ही पलक है ना ये झपटा मारता है, है? अरे उसका अंदर झपटा मारना देखो ये एक बाधा है, है? अरे दो आंख दिया ठीक है फिर झपट्टा मारता है बीच बीच में बाधा आती है, है? तो जो कृष्ण मुखचंद्रिमा दर्शन करेंगे अखिल रसामृत सिंधु आनंद गणो भगवान के श्री मुखचंद्रिमा जो दर्शन करेंगे उनको सिर्फ दो नयन दिया ये वो भी वही कृष्ण है ना। तो ये भगवान आते हैं जुग जुग में लेकिन जान पाते हैं जो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान आए हैं एकमात्र जिन पर कृपा होती है वही जा करके उनके वो लीला आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं नहीं तो तर्क वितर्क में रह जाते हैं। विद्वत्ता के द्वारा ज्ञान के द्वारा बुद्धिमत्ता के द्वारा थोड़ी उनको जान सकते हैं। यह तो ये जो प्रेम जगत है यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान पड़े रहते हैं और मूर्ख बाजी मार के चला जाता है। विद्वान बड़े विद्वान वो पड़ा रहता है माया चक्कर में और मूर्ख कुछ जानता नहीं समझता नहीं शास्त्र ज्ञान नहीं अनपढ़ गमार बोलते वो बाजी मार के चला जाता है वो प्रेम प्राप्त करके कृतकृत हो जाते हैं। जो कृपा साध्य है ना। तो ये लीला महाप्रभु आए हैं ये लीला ये सबके बोधगम्य है नहीं ये आए हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान प्रेम पुरुषोत्तम भगवान का अवतार जुग जुग में आते हैं लेकिन ये जो पूर्ण अवतार ये बार बार आते नहीं है। सभी अवतार है सभी भगवान है जैसे चंद्रमा के प्रकाश दूज के चांद तीस के चांद चौथ के चांद पंचमी के चांद वही चंद्रमा है। चंद्रमा में ये नहीं कि चंद्रमा अलग है उनका प्रकाश नहीं है यही नहीं लेकिन दूज के समय या दूसरा समय आप अगर चाहेंगे चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश देखेंगे ये संभव नहीं है वो तो पूर्णिमा रजनी में ही एकमात्र पूर्ण प्रकाश संभव। लेकिन चंद्र कला के तारतम्य है चंद्र के तारतम्य नहीं है ये ठीक है वो भगवानी है ऐसे नहीं जो अंश अवतार कला अवतार माने खंडित है ऐसा नहीं है पूर्ण लेकिन प्रकाश उतना अब दूस के तिथि में आप चाहेंगे हमको पूर्ण प्रकाश चंद्रमा का चाहिए ये संभव नहीं है और पूर्णिमा रजनी में एकमात्र पूर्ण प्रकाश। इस तरह से भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम ये प्रकाश दिखाए हैं और जितना प्रकाश आए हैं जगत में जुग जुग में आते हैं भगवान यदा यदा ही धर्म श्लाघित भवति भारत अद्भुत्यानां धर्मस्य तदात्मनं संयम्यम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युग युग में हम आते हैं भगवान आते हैं जुग जुग में आते हैं लेकिन एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि मुख में कभी कहे नहीं हम भगवान है देखो मैं भगवान हूं ऐसे कोई शब्द तो कभी कहे नहीं उनके अवतार काल में
लेकिन दिखाए हैं सबको पूर्ण प्रकाश। जब महाप्रकाश शिवासांगन में महाप्रभु महाप्रकाश दिखाए हैं, श्रीवास अंगन में श्रीवास के मंदिर में महाप्रभु बैठ करके अपने पूर्ण भगवत्ता का पूर्ण प्रकाश दिखाए हैं। बुला बुला करके बुलाओ मुरारी गुप्त को, बुलाओ श्रीधर को, बुलाओ अद्वैताचार्य को, देखो मैं कौन हूं, देख लो, संदेह नहीं रखना, सबको बुला बुला के। और सब देखते हैं एकमात्र भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि कोई सांप्रदायिक नहीं है। कोई कहते हैं जो गौरिया संप्रदाय, गौरिया गौर माने महाप्रभु के संप्रदाय के अंतर्गत हम हैं, हमारे उपासना कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, इसलिए हमको गौरिया कहते हैं। लेकिन महाप्रभु जो है ये समस्त संप्रदाय लेकर के महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। उनके जो पार्षद थे उनके अंदर बहुत सारे दूसरा मतावलंबी भी थे, उनके पार्षद मुरारी गुप्त थे, राम उपासक, राम उपासक महाप्रभु के पार्षद, महाप्रभु का अष्टक लिखे हैं, अंतरंग बहुत अंतरंग राम उपासक। श्रीवास पंडित, जो श्रीवास पंडित हम लोग पंचतत्व मंत्र जो कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, श्रीवास उपासना राधा कृष्ण नहीं, नारायण उपासना, निश्चिंह कोई निश्चिंह भगवान को उपासक, कोई ब्रह्मज्ञानी ये भी है, ब्रह्मानंद वो भी है, महाप्रभु के पार्षद में दिखाए हैं भगवान, वो कोई संप्रदाय भक्त नहीं है। हाँ, लेकिन महाप्रभु जो प्रचार इस कलयुग में महाप्रभु जो प्रकाश किए हैं, प्रचार किए हैं, वह है राधा कृष्ण जुगत जुगल मिलित रसघन विग्रह निभ्र निकुंज के जो निवृत निकुंज के जो रस विलास माधुर्य, वो माधुर्य के जो पूर्ण प्रकाश वो महाप्रभु जगत को देने के लिए आए हैं। वो है भावोल्लासारति, भावोल्लासारति जो है मंजरी भाव उपासना पद्धति, ये उपासना महाप्रभु का अवदान। अनर्पित चोरी चिरात करुण अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्जल रसान सबक्ति श्रियम, समर्पयत उन्नत उज्जल रसान, उन्नत उज्जल रस कृपा करके महाप्रभु आए ये वस्तु दिए हैं। प्रेम था पहले भी महाप्रभु के, पहले भी प्रेम था, पंचम पुरुषार्थ प्रेम था, राधा प्रेम था। देखिए ना आप श्रीमद भागवत महापुराण देखिए, रासलीला रस वैश रस के परम निर्जास रासलीला है, पद्म पुराण देखिए और पुराण आदि में देखिए राधा कृष्ण लीला विलास के कीर्तन किए हैं। फिर महाप्रभु के पूर्ववर्ती जो है गीत गोविंदम देखिए, उसमें भी राधा कृष्ण जुगल के चरम निर्जास उसमें आपको आप प्राप्त करेंगे, गीत गोविंदम जो प्रसिद्ध महाप्रभु स्वयं श्रवण करते थे। तो महाप्रभु कहते हैं अनर्पित चोरी, अनर्पित न अर्पित, कभी किसी युग में कोई भगवान कभी ये वस्तु प्रदान नहीं की। वो कौन सा वस्तु, कोई कहते हरि नाम, ये पहले भी था हमारे जो हरि नाम महामंत्र ये ब्रह्मांड पुराण में है, ब्रह्मांड पुराण में है पहले, पंचम पुरुषार्थ प्रेमी भावत पुराण में, भगवत पुराण देखिए, पद्म पुराण देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण देखिए, सब पुराण में खूब वर्णित है, पंचम पुरुष राधा प्रेम है खूब। तो महाप्रभु क्या दिए हैं, और महाप्रभु का बात छोड़िए, अनर्पित माने कभी किसी युग में कोई अवतार ने प्रदान नहीं किया उसके, उसको कहते अनर्पित, न अर्पित कभी किसी ने दिए नहीं है। महाप्रभु भौम लीला में जो परम गुरुदेव हैं, क्योंकि भगवान जब आते हैं गुरुकरण करते हैं, जब भी भगवान आते हैं ऐसा नहीं नरलीला को शास्त्र को कभी मर्यादा को लंघन नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें व्यभिचार फैल जाता है ना। मान लीजिए भगवान आए हैं गुरुकरण किए नहीं है, तो एक समाज जीवन में क्या होता है साधक जीवन में, अरे वो भी तो गुरुकरण किए नहीं, हमारे गुरुकरण का क्या जरूरत है, बिना गुरुकरण का भी भगवत प्राप्ति होती है। लो
आ गया ना व्यभिचार। गुरु बिना भव सिंधु तरह ना कोई है। तो भगवान जब आते हैं गुरुकरण करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं उनके गुरुकरण का कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन शास्त्र मर्यादा रक्षा के लिए भगवान भी गुरुकरण करते हैं। राम आए हैं उनके गुरु से वशिष्ठ, कृष्ण आए हैं उनके गुरु से गर्गाचार्य, ऐसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गुरुकरण किए। उनके जो परम गुरुदेव भवमोलीला में माधवेन्द्रपुरी, माधवेन्द्रपुरी जब शरीर छोड़े हैं उस समय एक श्लोक उच्चारण करते करते शरीर छोड़े हैं, शरीर त्याग दिए। अंतिम समय नित्य लीला में प्रवेश के प्राक मुहूर्त में जो श्लोक उच्चारण किए हैं, हे दीन दयार्दनाथ हे मथुर नाथ कदा बलोक कशे हृदय तदलोक कातरंग द्वैत ब्रह्मति किं करामि हम। इस श्लोक का अनुवाद ऐसे है, हे दीन दयार्द नाथ हे, दीनन के प्रति दयार्द चित्त वृत्ति जिनके कृष्ण, मथुरा नाथ वृंदावन छोड़ के जब भगवान मथुरा चले गए तो राधा रानी के विलापमय क्रंदन, विलापमय आरती, हे दीन दयार्द नाथ हे, अब तो मथुरा चले गए मथुरा नाथ बन गए हो, मथुरा नाथ हे कदा बलोक कशे आम, मैं कब तुमको देखूंगी, क्या मैं तुमको देख नहीं पाऊंगी कभी, मैं तुमको देख नहीं पाऊंगी कदा बलोक कशे। हृदय तदलोक कातरम, तुमको देखे बिना हमारे हृदय कातर हो रहा है, हृदय तद तब अलोक हो, तुमको देखे बिना कातरम ब्रह्मति की गर्म, मैं भ्रमित हो रही हूं, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, हमको ऊपर बता दो, এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম কইল উপদেশ, কৃষ্ণের বিরহে রাধার ভাব বিশেষ, জগতে রোপণ করি গেইল প্রেমাঙ্কুর, সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর। জগত মে রোপণ কর গে হে প্রেমাঙ্কুর, অঙ্কুর রোপিত করকে বীজ বপন করকে গে, এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম কইল উপদেশ, কৃষ্ণ প্রেম উপদেশ কি হ্যাঁ, কৃষ্ণের বিরহে রাধার ভাব বিশেষ, কৃষ্ণকে বিরহ দশা राधा रानी के जो भाव है उसके एक प्रकाश, जगते रोपण करी गई लो प्रेमांकु, जो चैतन्य चैतन्य में वर्णन किए जगत में वो प्रेम रोपण करके गए, बीज बपन करके गए, सही प्रेमांकुर वृक्ष चैतन्य ठाकुर, उसके वृक्ष रूप में वो बीज, बीज वृक्ष रूप में बन गए महाप्रभु कृष्ण चैतन्य। अगर ये श्लोक हम अनुधावन करेंगे तो ये अनर्पित कहा नहीं जाएगा, क्योंकि अर्पण किए हैं, ये प्रदान किए हैं माधवेन्द्रपुरी, महाप्रभु नहीं दिए, महाप्रभु का अवदान नहीं, तो सिद्ध नहीं होता है नहीं? तो महाप्रभु अनर्पित कौन सा वस्तु प्रदान की करके गए हैं, वो है ये मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, मंजरी स्वरूप
ये राधानी के कृपा पुष्ट राधानी के अनुग्रहित राधानी के शरणागत होकर के उपासना करने से तब जाके राधारानी वो स्वरूप जिसको प्रदान करते हैं जिसको अनुमोदन करते हैं वो जाकर के वो स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वो स्वरूप प्राप्त करके कोई भी साधन पद्धति अपना करके कितना भी साधन चेष्टा के द्वारा अनंत काल वो साधन करके भी वो स्वरूप प्राप्त करना संभव नहीं। हम नहीं कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। ब्रह्म विद्या ये भी है, ये भी साधन किए तपस्या करके, तपस्या किए है पुराण में वर्णन है। ब्रह्म विद्या तपस्या कर किस लिए ना, कृष्ण प्रेम वो आस्वादन के लिए, वो भाव प्राप्ति के लिए। श्रुति चोरी मुनि चोरी ये सब तपस्या की, कठोर तपस्या की है वो भाव प्राप्ति के लिए है ना। राधारानी जिसको प्रदान करते हैं और ये स्वरूप जो है ये कृपा साध्य है। पहले भी हम लोग आलोचना किए हैं, फिर भी थोड़ा सा दिग्दर्शन महाप्रभु का प्रसंग आ गया है, इस विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे, है ना। ये जो स्वरूप है, ये जो जीव चैतन्य सत्ता है ना, भगवत अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममई वंश जीवलोक जीवक्त सनातन मन षष्ठान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर। गीता कहते हैं मेरी अविनाशी अंश जीव है, अविनाशी अंश चेतन सत्ता जो है वो जीव बन करके जीव भूत जीव बन गए है। जयदंग धार जत जगत, आप ये जगत को धारण कर रखे। प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति को आकर्षण करके प्रकृति के विषय प्रकृति के गुण समूह को भोग करते हैं। ये आत्मा से संबंधी नहीं है, ये शरीर से संबंध है, ये स्वप्नवत ये संसार जो मायामय संसार का भोग जो भी है आनंद जो है। ममई वांश जीवन के जीव भूत अब जीव बन गए है। मन षष्ठ इंद्रियानी, मन सुख सुखन्न नासिका जीवतक और मन ये षष्ठ इंद्रियानी। प्रकृति स्थानी कश्यति, प्रकृति को, प्रकृति किसको कहते हैं, प्रकृति भूमि अपवन वायु मन बुद्धि अहंकार भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये अष्टधा प्रकृति है। वो प्रकृति और सरल उसका क्या व्याख्या है, मतलब जिसका नाम है और रूप है उसको प्रकृति कहते हैं। सीधा बात, जड़ रूपा प्रकृति, कोई वस्तु देखते हैं उसका रूप है, रूप है तो उसका नाम जरूर है, अगर नाम है तो उसका रूप भी जरूर है ना। आप देखिए कोई भी वस्तु नाम रूपात्मक, ये मोबाइल है, तकिया है, ये है खंबा है, पिलर है, घर है, ये जो भी नाम रूपात्मक, ये है प्रकृति। आकृति विशिष्ट जो है उसको प्रकृति कहा जाता है, जो स्वयं निष्क्रिय लेकिन चेतन के द्वारा चेतन से संपर्कित होकर के तदात्मता के कारण प्रकृति सक्रिय होकर के दोनों मिल करके परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों मिल करके सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं। अपरिमित स्तन्यांग प्रकृति विद्धि में परम जीव भूत महाभाव जयदंग धारी जति जगत। मेरे परा प्रकृति यह चेतन रूप जीव चेतन सत्ता, अपरा प्रकृति दृश्यमान जड़ रूपा प्रकृति नाम रूपात्मक, दोनों ये चेतन जड़ चेतन मिलकर के सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं। अब जीव कौन है, इसके अंदर चेतन जो है वह भगवतांश जीव अविनाशी, ये चेतन सत्ता है। हमारे अंदर तीन शरीर है, एक स्थूल शरीर, हम थोड़ा वहां जाएंगे मंदिर स्वरूप में जाएंगे महापुरुष अवदान थोड़ा जाएंगे, जाना चाहिए क्योंकि हमारे साधना का जो विषय वस्तु है विश्व में थोड़ा सा किंचित अगर हमारे अनुप्रवेश नहीं रहता है तो जाके हम क्या साधना करते हैं, क्या साधना करेंगे, कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं, क्या क्या वहाँ पहुँच करके हमको क्या करना है, क्या मिलेगा, ये सब थोड़ा सा तो दिग्दर्शन जानना तो चाहिए। कौन कहेगा, कह देता है मंजरी उपासना, अरे कहाँ से उसका उत्पत्ति कैसे होता है उसको व्याख्या करो ना थोड़ा सा,
हम कौन है, मंजरी स्वरूप क्या है, बोले से हो जाएगा मैं मंजरी तो वो जो चेतन सत्ता इसके अंदर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर है पंचभौतिक शरीर, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंच तत्व से बना हुआ शरीर दृश्यमान, ये मातृ जठर में शुरुआत शशान में परिसमाप्ति, ये स्थूल शरीर। इसका अंदर सूक्ष्म शरीर, गुणमय शरीर, गुण से है वो, माने वो स्थूल नहीं है, गुण से, गुण को दिखता नहीं है और उसका कोई कोई जान भी नहीं पाता है वो कैसे है, उसमें गुण से आवृत है। जैसे वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब है ना, लेकिन देखने में आता नहीं है ना, तो ऐसा ही गुण से आवृत हो, स्थूल है ही नहीं लेकिन कुछ गुण है, हस्तवद वाक वायु वस्तु चक्षु कर्ण नासिका जीवतव मन बुद्धि अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये मिला करके वो सूक्ष्म शरीर, गुणमय शरीर, लिंग शरीर, उसके बहुत सारे नाम है। वो भी वो जब तक वो है बीज, जब तक वो रहेगा तब तक जीव को ये पुनरावृत्ति होना है, संसार में आना ही पड़ेगा। शरीर छोड़ने से कुछ नहीं होता है, शरीर बहुत कहते हैं अच्छा नहीं लगता, संसार ऐसे दुखदायी है, ऐसा ही मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो मरने से क्या होगा, वहीं से वहीं पर आना पड़ेगा, मरो ना, आत्महत्या कर लो ना, करने से क्या होगा, फिर वहीं पर आना पड़ेगा, वहीं से शुरुआत, वहीं से तुम्हारा जो कर्म चक्र है, कर्म प्रभाव है, वहां पर जाकर के फिर शुरुआत होगा, यहाँ नहीं, ऐसा मत सोचो, वहीं से है ना। जैसे मान लो आप जहां तक पढ़े हैं, प्राइमरी तक पढ़े हैं या हाई स्कूल तक पढ़े हैं, आप घर पर छोड़ करके सब बेच बस के आप जा रहे हैं कहीं बाहर, सब चले जा रहे हैं, तो वहां तक आप जब एडमिशन लेंगे, बच्चे को आप एडमिशन कराएंगे, उसका जो सर्टिफिकेट है ना, 9 क्लास तक पढ़ा है तो 9 से ही उसका एडमिशन हो जाएगा, 9 क्लास में भर्ती हो जाएगा उसका सर्टिफिकेट। मरने का बाद भी जहां से उसका मृत्यु होती है ना, वहीं से उसका शुरुआत होगा फिर चलना, ये मत समझना कोई कहते हैं हम मर जाएंगे तो क्या, ये जन्म तो भजन नहीं हुआ, ठीक है आगे दिखा जाएगा, ए साधारण ये जन्म हमारा बेकार गया आगे, अरे पागल, इतना सुंदर जन्म तुम्हारे हाथ में है, सामने है, राधा रानी का धाम है, राधा रानी के नाम है, राधा रानी का काम है, यहाँ आए सब कुछ किए, यहाँ तुम्हारा भजन नहीं हुआ, आगे के लिए चिंता करते हो, ऐसा थोड़ी होता है, सामने है उसका हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, शुरुआत वहीं से होगा, मरोगे जहां से तुम्हारा मृत्यु वहीं पर से फिर जन्म लेकर वहीं से शुरुआत होगा, ऐसा है, इसलिए यहाँ से कोर्स कंप्लीट कर लो जल्दी जल्दी, ऐसा है ना, तो इस तरह से ही कर्म प्रवाह चलता है। ये गुणमय शरीर जब तक है, हम थोड़ा महाप्रभु को जाएंगे, थोड़ा सा ये जो विषय चैप्टर जो हम बोल रहे हैं ना, ये कोई कहता नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है, हम कहाँ फंसे हैं तो थोड़ा जानना तो चाहिए, हो ना हो कम से कम ज्ञान होने से हम तो विवेक तो करेंगे, ऐसा अंधा थोड़ी है, हमारा विवेक का कोई चेतन नहीं है, हमारा विवेक हमको टोकेगा नहीं थोड़ी है, पागलपन है, तो इसलिए जानना जरूरी है तुम कहां फंसे हो। तो गुणमय शरीर, वो गुणमय शरीर वो है बीज, वो बीज ही लेकर शरीर निष्क्रांत होता है गुणमय शरीर लेकर के, वो जब तक वो रहेगा तब तक तुमको 84 लाख जोनि में इस तरह से तुमको आवागमन करना पड़ेगा पुनरावृत्ति। अब साधन के द्वारा एक गुणमय शरीर जो है लिंग शरीर उसको नष्ट करना है, साधन के द्वारा नष्ट होने से आप आया जीव चैतन्य सत्ता भगवत अंश जो है उस स्वरूप में आया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर उस चैतन्यमय सत्ता में आ गया, वह है भगवत अंश, तटस्थ शक्ति,
चेतन सत्ता में आया है ना। और उसके बाद इसको तटस्थता कहते हैं, क्यों? तट माने इधर समुद्र, इधर स्थल, इधर जल, यहाँ है। तुम चाहे तो स्थल में जा सकते हो और चाहे तो जल में जा सकते हो। जैसे मेढक इधर भी रहता है, कभी पानी में भी जाता है। जीव चैतन्य सत्ता अगर चाहे साधन करके भगवत चरण प्राप्ति कर सकता है, चाहे तो संसार में भी जा सकता है, क्या कर। इसीलिए इसको कहते तटस्थता शक्ति। ये जो साधन के द्वारा भगवत कृपा से जब वो अपने स्वरूप में स्थित होता है, इसको कहते हैं निरापद भूमि। तब जाकर माया से, ये जोड़ियों माया से उसका जो जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, तभी जाके वहां उसकी स्थिति होती है। वहां से होगी नहीं है बात। अब है वो जो राधा रानी की कृपा, पुष्ट राधा रानी कृपा करके जो स्वरूप देते हैं, वो स्वरूप वहां से परंपरा से आता है, गुरु परंपरा से है ना। उसका गुरु देते हैं नाम रूप वर्ण वस्त्र अलंकार सेवा कुंज स्थिति, उसमें वो स्वरूप। आप वो साधन के द्वारा भगवत चिंतन राधा रानी के कृपा पुष्ट जो मंदिर स्वरूप, उसके चिंतन के द्वारा वो भाव पुष्ट होता है। इधर राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो मंदिर स्वरूप, इधर जीव चेतन सत्ता का साधन चेष्टा अब धीरे धीरे पुष्ट होता है। ये चेतन सत्ता जाकर के धीरे 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 उस स्वरूप में जाकर के चिंतन में तल्लीनता तन्मयता आ जाती है। यह है शुद्ध अशुद्ध सत्व, ये शरीर पंचभौतिक शरीर अशुद्ध सत्व। अशुद्ध सत्व क्यों? ये हमारे जो शरीर है गंदगी से भरा हुआ है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसको एक एक पार्ट को तुम अलग कर दो, सब गंदगी गंदगी मिलेगा। अलग अलग कर, इसमें क्या तत्व क्या है देखो, सब गंदगी। थोड़ा सा अलग कर दो तो सब स्नान करना पड़ेगा। भीतर में जो वस्तु है कुछ नहीं है, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र सब तत्व से बना शरीर है ना। और इस शरीर में तदात्म होकर के, और इसके क्षय अवस्था प्रारंभ स्थिति परिवर्तन परिवर्तन संकुचन प्रलय, जन्म लेता है बढ़ता है ये करता है, जवान फिर तक वृद्धावस्था, ये परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील शरीर, आणविक परिवर्तन होता है हमारे भीतर। इस विषय आलोचना कर चुके हैं है ना। ते अशुद्ध सत्व, और चेतन सत्ता है भगवत अंश वह शुद्ध सत्व। आप वो जो मंजरी स्वरूप वह है विशुद्ध सत्व, उससे भी ऊपर वो है कृपा पुष्ट, राधा रानी के कृपा से वो पुष्ट होता है, वो स्वरूप प्राप्त होती है। वहां वो विशुद्ध सत्ता है, ये चेतन सत्ता वहां ऐसे ऐसे वहां जा नहीं सकता है उस स्वरूप में पहुंचने के लिए। और वो भी ऐसा नहीं साधन क्रिया के द्वारा, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, प्रेम में जाकर के भगवत दर्शन होता है। भगवत दर्शन होने से भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, दर्शन देने के बाद उसके जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, फिर जाकर स्वरूप में स्थित हो जाता है। वहां से और कुछ स्थिति है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव दर्शन है ना। तो वो विशुद्ध सत्व है। ये जो विशुद्ध सत्व मंजरी स्वरूप वो कैसे है बोलते हैं, श्रीमती समा सभी देह भेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सभी राधा तंत्र, संभोगेर काले दुह आनंदे उल्लास राधांगे पुलक भाव सखित प्रकाश, जत सुख पाए शुभानुर नंदिनी तार शतगुण सुख अश्वते संगिनी, अनुसरे एक संगे सखीरे मिलाय से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। श्रीमती समा सभी राधारणी की जैसे देखने में वो स्वरूप एकदम डीटो राधा रानी, एकदम डीटो राधा रानी। सिर्फ भेद इतना है वो उम्र में थोड़ा छोटी है, बस और कोई भेद नहीं है, अभेद। श्रीमती समा, समा माने समा समान, देह भेद मात्र, शरीर का सिर्फ भेद है, बाकी कोई भेद नहीं, अभेद तत्व।
भीतर में एक आवरण, जैसे हमारे भगवान के साथ हमारे जो भेद है वो क्या आवरण है, उसका मूल आवरण है अहंकार। अहंकार पर्दा ला आकर के हमको ढक लिया है, जिस कारण हम ही अहंकार के कारण शरीर धर्मी बन करके शरीर में आत्मबुद्धि करके मैं मेरापन के कारण ये अहंकारी हमको संसार चक्र में फंसा लिया और शरीर धरी बन करके हम संसार में घूम रहे हैं। शरीर धरी बन करके ये आवरण, ये अहंकारी है आवरण। अहंकार हटाना ही उन्मोचन। जो भी साधना करो, कोई भी साधना करो, योग करो, तप करो, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, तंत्र योग, कोई भी योग करो, कोई खेल एक ही है, भीतर में जो आवरण है अहंकार, ये अहंकार को हटाना ही साधना। अहंकार हट गया तो प्राप्ति। एक आवरण भगवान से हमारा थोड़ी दूर है, सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम, लेकिन हम जानते नहीं है, भूल गए हैं। थोड़ा सा आभासित हो जाए तो पूरा सृष्टि ब्रह्मांड फीका पड़ जाएगा। कोई वस्तु पदार्थ उसको किंचित समय के लिए उसको आस्वादन आनंद उसको देने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे शास्त्र कहते हैं, ऐसे प्रियतम संबंध अविच्छेद अखंड नित्य संबंध है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये विज्ञान का यहाँ प्रवेश नहीं है, ये विज्ञान का यहाँ कोई प्रवेश नहीं है, ये अचिंत है ना। तो ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप राधा रानी की कृपा पुष्ट श्रीमती समासवे देह वेद मात्र, सिर्फ शरीर का वेद, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। राधा तंत्र माने राधा रानी की इच्छा अनुसार चलती है, राधा रानी के सुख संपादन ही वो जो मंदिर स्वरूप का एकमात्र उद्देश्य। राधा सुख को तात्पर्य सेवा, अपने सुखानुसंधान उनमें है नहीं, अपने सुख के लिए कोई चेष्टा नहीं है। जत सुख पाए प्रिय भानुर नंदिनी तार शतगुण सुख आस्वादी संगिनी। राधा रानी जितना सुख प्राप्त करते हैं वो सुख शतगुना करके उसमें संचरित होता है, वो स्वाभाविक बिना चेष्टा। माने तदात्मता तो राधा रानी से, राधा रानी का ही तो स्वरूप, तो राधा रानी आनंद पाते ऑटोमेटिकली आनंद आकर के शतगुना आकर के संचरित होता है उनमें बिना चेष्टा बिना चाहते हुए शतगुना। ये कोई साधना में ऐसा है नहीं, भगवान की उपासना करते हैं, उनके चरण रस के एक रेणु के छटा पा करके अष्ट सिद्धि नवनिधि पा करके समझ जाते हैं हमको बहुत कुछ मिल गया है, हमको अनंत कुछ मिल गया है, अनिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम अवस्थित एवशित जत्र काम वसायित्व अष्ट सिद्धि आदि पा करके समझते हम विराट ऐश्वर्यशाली बन गए हैं। कुछ नहीं, ये मंदिर स्वरूप उपासना, ये जो राधा रानी जो आनंद पाते हैं उसके शतगुना संगिनी जो आस्वादन करने में समर्थ होते हैं राधा रानी के कृपा से, इसीलिए इसको कहते हैं भावोल्लासा रति। भावोल्लासा माने राधा रानी की भाव से उल्लसित रति, इसके लिए भावोल्लासा रति कहते हैं। भावोल्लासा रति, ये जो भावोल्लासा रति, ये कोई साधन पद्धति महाप्रभु के पहले किसी ने कोई भगवान अवतार प्रदान नहीं किया है, इसीलिए यह है अनर्पित। यह अनर्पित माने बहुत बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अनर्पित यह है अनर्पित। ये वस्तु हमारे महाप्रभु प्रदान करने के लिए आए हैं, मंजरी भाव उपासना पद्धति, महाप्रभु का अवदान। किंतु महाप्रभु उनके सभी उनके सब संप्रदाय के थे, उनके अंदर उनके पार्षद में राम उपासक ब्रह्मानंद फिर थे निश्चिंगानंद प्रभु थे, और ऐसे बहुत सारे उपासना। तो महाप्रभु महाप्रकाश में सबको बुला बुला करके दिखाए, देखो मैं कौन हूँ, तुम लोग भ्रमित नहीं होना, मन में संशय नहीं रखना, देखो। तो अपना अपना उपासना अनुसार महाप्रकाश में जब श्रीवासंगन में जब महाप्रभु अपने महाप्रकाश लीला में जब दिखाए हैं, सब साक्षात देखे हैं अपने अपने पूर्ण प्रकाश, ऐसा कोई अवतार ने दिखाई नहीं है, दिखाई नहीं है मैं कौन हूं देखो।
कहे है वो भगवान है, क्या अवतार है वो भगवान का अवतार है, ऐसा है वो तो भगवान थे, कहते कहने से क्या होता है, महाप्रभु कहे नहीं है। बाह्य दशा में महाप्रभु कोई भगवान कह देते हैं, प्रणाम करते हैं, तो महाप्रभु नाराज हो जाते थे, ठीक हमको भगवान ऐसे नहीं करना चाहिए। जब गुंडीचा मार्जन में सब जानते हैं भगवान है, गुंडीचा मार्जन लीला करते महाप्रभु सब भक्तों के साथ मंदिर मार्जन सन्मार्जन आदि कर रहे हैं, एकदम साधारण भक्त जैसे भगवान मंदिर सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, ये कर रहे हैं, जाओ पानी लाओ धो रहे हैं। तो एक भक्त गोवरिया सरल सीधा सोचे हैं ये सुजोग है तो एक घड़ा पानी लेकर के महाप्रभु चरण में डाल दिया, डाल दिया तो वहां से पानी उठा के पी लिया। भाई ऐसा मौका कहाँ मिलता है, जब मिल गया तो थोड़ा ये है, नहीं तो कहाँ महाप्रभु के चरण उदक कहाँ मिलेगा। महाप्रभु भारी नाराज हो गया, स्वरूप स्वरूप खूब नाराज हो गया, स्वरूप था उधर महाप्रभु डायन हाथ, देखो तुम्हारा गौरिया का व्यवहार देखो, देखो देखो हमारा किस किस तरह से बेइज्जती किया है, देखो क्या से और क्या किया प्रभु क्या, नहीं हमारे मंदिर में भगवान के मंदिर में हमारे पाम धो के पानी ले लिया, बोलो हमारी गति क्या होगी, बोलो आपको हमारी क्या गति होगी। महाप्रभु की गति तो भगवान ऐसे दिखाए हैं, मानो नरोचित लीला है ना। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कभी कहे नहीं है देखो मैं भगवान हूँ, ऐसा कभी कहे नहीं है, दिखाए है, दिखाए हैं क्या, वो अचिंत। आप महाप्रभु बंगाल से आए हैं, नवद्वीप जाकर मानस लेके गए हैं, लेकिन वहाँ रूप सनातन को उद्धार करके उनके भीतर चेतना शक्त को जगा करके जो तुम लोग दोनों आ जाओ हम काशीपुरी मिलेंगे तुमसे, ऐसा कह करके महाप्रभु आए हैं जगन्नाथपुरी में, आकर के समस्त भक्तों से कहते हैं देखो हम चलेंगे आप वृंदावन, लेकिन लोक संगठ के अंदर हम जाएंगे नहीं, हम अकेला जाएंगे। तो बलभद्र प्रसाद को लेकर के एक भक्त और एक सेवक लेकर के महाप्रभु चले हैं झाड़ीखंड के जंगल के रास्ते से, जिसे कोई उनके पीछे कर नहीं पाए, जो उनके पीछे पीछे चल करके उनके साथ चलेंगे। आप झारखंड के रास्ते में भयंकर जंगल, अभी झारखंड जो है ना वो झारखंड पहले भयंकर जंगल था, उस जंगल के रास्ते में महाप्रभु चल रहे हैं, शेर भालू गरीब बाबा झुंड के झुंड हाथी पानी पी रहा है, शेर सोया हुआ है, महाप्रभु चरण स्पर्श हो गया, शेर भी कृष्ण कृष्ण शब्द उच्चारण करके महाप्रभु के पीछे पीछे अनुगमन करना शुरू कर दिया, महाप्रभु अनुगमन करना शुरू कर दिया, हरिण के झुंड आ गए, महाप्रभु देख करके भय जो भय मुक्त हो गए, शेर है इधर भालू है उधर हरिण, महाप्रभु देख के विमुक्त हो गए, भूल गए अपना जो प्राण संकट में सब प्राण भय सबसे बड़ा भय है, शेर है सामने भूल गए, महाप्रभु के पास आकर महाप्रभु को सूंघने लगे, महाप्रभु कहते बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो, नाचना शुरू किया, एक तरफ हाथी एक तरफ शेर एक तरफ हरिण एक साथ नृत्य के साथ चले हैं, इधर शेर चल रहे हैं इधर हरिण चल रहे हैं इधर हाथी और क्या हरिण शेर को चुंबन कर रहे हैं, शेर हरिण को चुम प्रेम में और हरिनाम उच्चारण किए, कि हम नहीं कह रहे थे हमारे इष्ट इसलिए हम ज्यादा कहते हैं, अब कोई कोई ऐसा शायद अनुमान कर सकते हैं, भाई अपने इष्ट को सब कोई हम नहीं इतिहास कहते ये इतिहास प्रसिद्ध है, हम नहीं कह रहे हैं ये शब्द ये सत्य है, एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी दृष्टि मात्र से प्रेम प्रदान करने में समर्थ हो और प्रदान किए भी है, दर्शन मात्र इच्छा मात्र। महाप्रभु जब नवद्वीप में पहले प्रथम प्रकाश भगवत्ता का प्रथम प्रकाश है तो
तो पहले तो जानते थे निमाई पंडित है, ये तो ऐसा ही तो विद्वान तो है, बहुत चंचल है ना, चंचल है ये तो भगवान थोड़ी जानते थे। लेकिन जब सेवा संगठन में जाके महाप्रकाश दिखाए उसके बाद सब जान गए हैं जो, और वो भी आपने अंतरंग भक्त को दिखाए है, सब थोड़ी पूरा नवद्वीपवासी को थोड़ी दिखाए है, दिखा करके आपके कीर्तन कर, तुम लोग कीर्तन में मुखरित कर रहे हो, सब भक्त मंडली कीर्तन मंडली लेकर के चारों ओर दिगंत व्याप्त कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन में धीरे दिगंत मुखरित हो रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर काजी का खबर हो गया, काजी के पास खबर गया, काजी था हिंदू विद्वेषी, जे इस तरह से देखो निमाई पंडित अब समाज को नष्ट कर रहे हैं, मुसलमान धर्म है देखो ये हिंदू आना दिखा रहे हैं, चारों हरि नाम कर रहे हैं, तो जाना इसका कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो समाज को नष्ट कर देगा। काजी आकर के तो ढेरा पिटवा दिया, ढेरा माने पहले हमारे ब्रिटिश पीरियड के आगे मुस्लिम पीरियड में उसमें क्या होता था, कोई राजा कोई नीति निर्धारण करते हैं ना, तो समाज को जनाने के लिए राजा जो कहेंगे वही कानून है, बस चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा कहे तुमको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो मानना पड़ेगा। यह तो क्या करती थी, ऐसे एक बाजा है दामामा कहती, दम 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 बजाती, ये भेज देते हैं दामामा लेकर के मार्केट में जाकर के, कोई बाजार में जाकर के दम 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 दम, वो आवाज सुनने से पब्लिक इकट्ठे हो जानते हैं ना राजा नई कुछ घोषणा किए हैं, कुछ घोषणा लेके आए ना जाने क्या घोषणा, कुछ ठिकाना नहीं, ये भी कह सकते तो घर मकान छोड़ के चलो यहाँ से, यही कानून जो मन चाहे कह देते हैं, तो भय भी तो होकर के सब आ जाते थे, वो दमामा सुनकर इकट्ठे हो जाते थे। फिर वहां सुनो भाई राजा का ये घोषणा है, काल से ऐसे होना चाहिए नहीं तो उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, दम 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 ऐसे, ये है कानून, ये अभी शरिया कानून क्या, ये सब कानून है। तो काजी का कान में गया, काजी ने दमामा भेज दिया, जाओ बाजार बाजार में प्रचार करो, ये सब हिंदू आनी चलेगा नहीं, कीर्तन फिर्तन चलेगा नहीं, खोल करताल बजेगा नहीं, कहीं अगर सुना तो उसको भारी दंड दिया जाएगा, ये सब हिंदू आनी चलेगा नहीं, जो करना है घर में दर्जा बंद करके करना, कोई आवाज बाहर नहीं आना चाहिए, ये सब हिंदू आनी फैलाना शुरू कर दिया है, कठोर सजा मिलेगा, दम 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 दम, ये प्रचार हो गया, चारों ओर प्रचार हो गया, तो सब भाई भी तो हो रहे हैं, भाई आप प्रचार हो गया, भाई कीर्तन करना नहीं है, कीर्तन करने से सजा देंगे ये मुसलमान जनाब, सब भाई भी तो हो गए हैं, कीर्तन बंद हो गया। महाप्रभु कहते क्यों बंद किया तुम लोग, जैसे काजी ने ऐसा घोषणा कर दिया, अगर काजी कौन होता है, कौन काजी होता है, हम कह रहे हैं कोई काजी बाजी, हम इच्छा करेंगे तब काजी कुछ बोल सकता है, हम इच्छा नहीं करेंगे काजी का बाप भी कुछ कर नहीं सकता है। गए हैं श्रीवास पंडित के, श्रीवास कीर्तन क्यों बंद हो रहा है, प्रभु काजी ने ऐसे घोषणा कर दिया, प्रभु मुसलमान राज है बड़ा खतरा हो जाएगा, ना जाने घर बार जला देंगे, फिर हम लोग कहां जाएंगे, कोई चिंता नहीं, क्यों ऐसे घबराते हो, मैं हूं ना, मैं उसके भीतर रह करके अगर बुलाऊंगा तब देखो बोल सकता है, नहीं तो बोल ही नहीं सकता, फिर भी भाई कहते तो है भाई, समय पर क्या होगा क्या जाने, तो महाप्रभु कहते अच्छा ठीक है, तो देखो मैं प्रमाण देता हूं, एक भ्रातृष्पुत्री भाई के कन्या थी नारायणी नामनी एक बालिका, बोले देखो तुम्हारा विश्वास नहीं होता है, मेरी इच्छा से सब होती है, नारायण ही इधर आ, अच्छा लाली तू कृष्ण नाम कह करके प्रेमी उन्मत्त हो जा, देखो उन्मत्त हो जा,
स्थूरते हा कृष्ण बोल करके ओरे अस्त शक्ति विकार ओरे विकार लोटपोट खा रहे प्रेम के विकार जितना अश्रु कंप पुलक शेद वैवर्ण सर्वभंग स्तंभ मूर्छा प्रलय अष्ट सात्विक विकार ये विकार से विकारित हो रहे हैं। देखा मेरी इच्छा से होती है ना, देखो तो महाप्रभु इस शक्ति लेके आए हैं जो कि एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस शक्ति धारण शक्ति लेकर आए हैं और दिखाए हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ऐसे ही हाथी घोड़ा आदि जितना जंतु जानवर सब एक साथ हरिनाम कराए हैं, पानी लेकर के हाथी के ऊपर छोड़ रहे हैं, हरे कृष्ण बोलो, हाथी शुंड ऊंचा करके हरे कृष्ण आवाज कर रहे हैं, शेर भालू सब एक साथ सम्मिलित होकर के जैसे प्रशिक्षण कर रहे हैं, प्रशिक्षण करते हैं ना ऐसे, शेर भालू हाथी हरिण जंगली सुअर ये सब एकत्रित होकर के महाप्रभु के पीछे पीछे अनुगमन किए हैं, हरिनाम उच्चारण किए हैं, ये इतिहास प्रसिद्ध है। इसीलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो अवदान है ये एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में दिखा गया। इस तरह से दृष्टि मात्र से प्रेम प्रदान करने का शक्ति, दृष्टि मात्र से उसके चैतन्य सत्ता को जगा करके संसार चक्र से मुक्त कराना, ये शक्ति महाप्रभु दिखाए हैं। तो इस तरह से झारखंड के रास्ते में महाप्रभु चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं बलभद्र भट्टाचार्य, बड़े आनंद में महाप्रभु जंगली के रास्ते जंगल के रास्ते में चल रहे हैं, बड़े आनंद में जंगल देख करके उनका भ्रम हो रहा है जी, साक्षात जैसे हम वृंदावन में चल रहे हैं। और बलभद्र भट्टाचार्य को बुला करके कहते हैं तुम हमको जंगल का रास्ते में ला करके बड़ा आनंद दिया, इतना आनंद हम तुम्हारे पास ऋणी हैं, तुमने हमको जो खुशी प्रदान किया हम तुम्हारे पास कृतज्ञ हैं। बलभद्र भट्टाचार्य तो रोना शुरू कर दिया, प्रभु आप क्या कहते हैं, आप कृपा करके हमको साथ लाए हैं, हम लाने वाले कौन हैं, ये तो आपकी इच्छा। इस तरह से महाप्रभु वो प्रेम प्रकाश किए हैं झारखंड के रास्ते में। फिर इस तरह से कुछ दिनों जंगल पार करके फिर महाप्रभु प्रवेश किए हैं काशीपुरी बनारस आए हैं, और हम लोग काल महाप्रभु के साथ साथ बनारस जाएंगे, वहाँ बनारस में महाप्रभु क्या लीला करते हैं वो लीला हम लोग आस्वादन करेंगे। आज रात हो गया, आज चलेंगे नहीं, हम लोग रात हो गया ना, आप कहीं चलेंगे नहीं, आप विश्राम करेंगे, 11 बज गया है। जय जय श्री राधे।